हेलो स्टूडेंट, हमारा चैनल फिटर फाइटर है और इससे आप तैयारी कर सकते हैं। आज 7 फरवरी को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अगला वीडियो 9 फरवरी को डालूँगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और आप कंटिन्यूटी में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमने 7 फरवरी को एक टेस्ट डाला है, जिस टेस्ट की तैयारी या जिस टेस्ट के आंसर हम मिलजुल कर लगाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि हम सही गाइडलाइंस पर पढ़ रहे हैं, सही तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें जो आंसर लगाओगे उसमें अगर सही होगा तो वो बचेगा, अन्यथा जो गलत आंसर होंगे वो हट जाएंगे, सही आंसर बचेगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्लेट की थिकनेस और रिवेट के ब्यास का क्या संबंध है, यानी प्लेट की थिकनेस और रिवेटिंग में जो ब्यास होता है उसके बीच क्या रिलेशनशिप होता है। तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन लिखे हैं ए बी सी डी, तो आप लगाइए। मैं अपना आंसर लगाता हूँ ए, डी बराबर 6√t। आप भी अपना आंसर लगाइए, यदि सही होगा तो बच जाएगा। देखिए ए आंसर इसका सही आंसर है, डी बराबर 6√t। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक सिस्टम में TDS का सूत्र क्या होता है, टेप ड्रिल साइज। तो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, TDS बराबर TS-1.28P। तो इसका आंसर जो लग रहा मुझे सेकेंड आंसर राइट आंसर लग रहा, क्योंकि 0.61 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 1.22P आएगा, तो इसका सेकेंड आंसर राइट आंसर होना चाहिए। देखिए सेकेंड आंसर राइट आंसर है, आप भी इसी तरीके से अपना चेक कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, इंग्लिश सिस्टम में TDS का क्या सूत्र होता है। तो इंग्लिश सिस्टम में TDS का सूत्र होता है TS × 7/8 − 1/32 इंच। तो ये सूत्र सही होना चाहिए, सी आंसर, TDS बराबर TS × देखिए इसमें सी आंसर सही आंसर है, TS × 7/8 − 1/32 इंच, ये आप भी याद कीजिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, चूड़ी काटने के लिए ड्रिल होल टेप होल की अपेक्षा होना चाहिए। तो जो हमारा ड्रिल होल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए क्योंकि टेप उसमें टाइट चलना चाहिए, तो इसका बी आंसर सही आंसर होगा। आपने भी अपना आंसर लगाया होगा कि ड्रिल होल छोटा होगा या बड़ा होगा, ये हम देख लेते हैं क्या सही होगा। हमने बी टिक किया है कि ड्रिल होल छोटा होगा टेप होल की अपेक्षा, टेप टाइट जाएगा उसमें। तो इसमें देखिए बी आंसर राइट आंसर है, तो आपने यदि बी लगाया होगा तो सही होगा। आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लोगे तभी 6 लगाओगे। ड्रिल डिफ्ट का मटेरियल क्या होता है, जिससे हम ड्रिल को निकालते हैं उसका मटेरियल क्या होता है स्पिंडल से। तो इसका हाई कार्बन स्टील नहीं होना चाहिए, इसका माइल्ड स्टील होना चाहिए, क्योंकि माइल्ड स्टील सॉफ्ट होता है, हाई कार्बन स्टील हमारे स्पिंडल को काट सकता है, हाई स्पीड स्टील काट सकता है, डायमंड काट सकता है। बी आंसर राइट आंसर होगा। 6th क्वेश्चन, मोस्ट टेपर ड्रिल पाए जाते हैं, आप भी आंसर लगाइए, मोस्ट टेपर ड्रिल कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं। तो मेरा आंसर जो है वो है MT1 से MT6 तक पाए जाते हैं। MT1 छोटा होता है, MT6 सबसे बड़ा होता है, और इसी क्रम से पाए जाते हैं। तो इसी आंसर ही राइट आंसर है, MT1 से MT6। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ड्रिल की सेंक मशीन के स्पिंडल से बड़ी हो तो ड्रिल को मशीन के में कैसे बांधेंगे। ड्रिल की सेंक कभी मोटी हो जाती है तो मशीन के स्पिंडल में बनती नहीं है, तो उसको हम किससे बांधते हैं, उसको हम सॉकेट द्वारा बांधते हैं। तो इसका ए आंसर राइट आंसर होगा। जब छोटी होती है तब स्लू से बांधते हैं, और जब टेपर सीधा सेंक होता है तो हम चक से बांधते हैं, स्ट्रेट सेंक। तो इसमें ए आंसर राइट आंसर होगा, सॉकेट के द्वारा, जब ड्रिल बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बर्नियर ऑयल प्रोटेक्टर के मेन डिवीजन और बर्नियर डिवीजन के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये आपको याद करना चाहिए, बर्नियर ऑयल प्रोटेक्टर के मेन डिवीजन के 23 खाने और बर्नियर डिवीजन के 12 खाने होते हैं। तो मेरा आंसर 23-12 होगा, आप अपना आंसर टिक कीजिए क्या आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर किसका सही होता है, तो 23-12, यदि आपका 23-12 लगा है तो आपका आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताप और विद्युत का उत्तम चालक है, तो ताप और विद्युत का उत्तम चालक जो होता है वो कॉपर होता है, तो बी आंसर राइट आंसर होगा। जो ई ऑप्शन है वो केवल विद्युत का होता है, तो मेरा आंसर बी आंसर है, आप अपना आंसर टिक कीजिए, मेरा आंसर कॉपर है। इसमें आप भी इसका सही आंसर लगा सकते हैं, कोशिश कीजिए। तो इसमें कॉपर ही ताप और विद्युत का उत्तम चालक होता है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रीडिंग इनसाइड माइक्रोमीटर से लेना संभव नहीं है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर जो रीडिंग लेता है वो 13 mm से स्टार्ट करता है, तो संभव नहीं है, इसका नहीं का ध्यान रखना है। तो इसका ए आंसर राइट आंसर होगा, 10.45 mm रीडिंग नहीं ले सकता है, और सारी रीडिंग ले सकता है जो 13 mm से अधिक हैं। इसमें देख लेते हैं हम ए आंसर है कि नहीं, इसका राइट आंसर ए आंसर है। इस ए आपको भी ध्यान रखना है, इनसाइड माइक्रोमीटर है ये। प्लेन टेपर की का अनुपात होता है, जो हमारी प्लेन टेपर की होती है उसका अनुपात 1:100 होता है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा, आपने भी आंसर अपना टिक किया होगा। और जो राउंड टेपर की होती है उसका अनुपात 1:50 होता है, तो इस क्वेश्चन में प्लेन टेपर की है, 1:100 आंसर राइट आंसर होगा। आप भी अपना आंसर टिक कीजिए और चेक कीजिए कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत। तो इसमें बी आंसर राइट आंसर है,
आपको भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सही करने हैं। डायल कैलिपर किस लीस्ट काउंट में नहीं मिलता है? तो डायल कैलिपर हमारा 0.01 में मिलता है, 0.02 में मिलता है, 0.05 में मिलता है। तो इसका ए आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं लिखा है कि किस लीस्ट काउंट में नहीं मिलता है, तो 0.1 mm में हमारा डायल कैलिपर नहीं मिलता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 13th question। बर्नियर की डेप्थ रॉड किससे जुड़ी होती है? जो हमारा बर्नियर कैलिपर होता है उसकी डेप्थ रॉड आगे पीछे होती है, तो ये म्यूबिल वाले भाग से जुड़ी होती है। तो ये आंसर गलत है, मेन स्केल है। बर्नियर स्केल सही होगा, बी आंसर, क्योंकि बर्नियर स्केल आगे पीछे होता है, तो हमारा बी आंसर होगा। फिक्स जो इसका होगा नहीं, क्योंकि डेप्थ रॉड आगे पीछे होना चाहिए, बीम होगा नहीं क्योंकि बीम फिक्स रहती है। तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें डेप्थ रॉड को आगे पीछे खिसकाना है, तो ये हमारे म्यूबिल जो या बर्नियर स्केल से जुड़ी होती है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा। तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ। मीट्रिक बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है, मीट्रिक बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हमारी 0.01 mm होती है, लेकिन इसमें 0.01 ना देकर के 1/100 दिया है, तो हमारा ए आंसर राइट आंसर होगा। आप भी अपना आंसर चारों में से टिक कीजिए। तो इसका ए आंसर 1/100 mm है, 0.01 सही होगा। डेप्थ माइक्रोमीटर का सही कथन है, डेप्थ इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, इसमें सही कथन नहीं होना चाहिए था, सही कथन नहीं है, तो नहीं वाला हमें बताना है। तो इसका ई आंसर राइट आंसर होगा, नहीं है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, सही नहीं है। तो ये आंसर है, इसकी लीस्ट काउंट 0.01 mm होती है, जबकि 0.02 mm दिखाई गई है, इसलिए इसका ए आंसर राइट आंसर होगा। किसी ड्रिल होल का बड़ा करने की विधि है, ड्रिल होल को बड़ा करने की कौन सी विधि होती है? तो इसका आंसर होना चाहिए बोरिंग, काउंटर बोरिंग नहीं हो, कुछ गहराई तक होता है। तो इसका सी आंसर राइट आंसर होगा, कि ड्रिल होल को बड़ा करना बोरिंग कहलाता है। रीमिंग में होल साफ होता है और ड्रिलिंग में केवल होल होता है। तो इसका सी आंसर राइट आंसर होगा, जो मैंने लगाया है, या आप भी क्वेश्चन लगाए होगे, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। 17th question करते हैं, किसी मेंटेनेंस में पहले खोला गया पार्ट कब नहीं लगना चाहिए? तो जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है उसको सबसे बाद में लगाया जाता है, उसे पहले नहीं लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए? तो इसका ए आंसर होगा, उसे पहले नहीं लगना चाहिए। इसमें मीनिंग में गलत लिखा है, बिफोर लिखना चाहिए था। जो पहले खुलेगा वो बाद में लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो ए आंसर पहले नहीं लगेगा। तो इसका ए आंसर राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा आंसर, ए आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये पार्ट दिया है, इस पार्ट की हमें टॉलरेंस बतानी है, 20+0.01 और माइनस में 0.01, इसका टॉलरेंस निकालना है। तो हम इसकी हाई लिमिट निकालेंगे, 20.01 आ जाएगी, लो लिमिट 19.99 आ जाएगी। जब हम घटाएंगे तो 0.02 mm आएगी। तो इस पार्ट की टॉलरेंस 0.02 mm है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हाई लिमिट माइनस लो लिमिट का फॉर्मूला जो होता है वो टॉलरेंस का सूत्र होता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, बी आंसर होगा। आप भी इसको कर चुके हैं, तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें पार्ट का हमें अस्वीकृत साइज बताना है, जो रिजेक्टेड साइज है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इनके बीच में हमारा पार्ट बनना चाहिए। जैसे इसमें दो लिमिटें दी गई हैं, 20.01 हाई लिमिट और 19.98। तो जो हमारा 19.98 से लेकर 20.01 तक जो भी पार्ट बनेंगे सब एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्टेड होंगे, हमें रिजेक्टेड बताना है। तो डी आंसर 19.97 जो है लोअर लिमिट से नीचे है, तो डी आंसर राइट आंसर होगा, 19.97। तो हम देख लेते हैं 19.97 राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, प्लेन टर्निंग करते समय लेथ में टेल स्टॉक ऑफसेट हो जाए तो क्या होगा? तो टेल स्टॉक जब ऑफसेट हो जाता है तो हमारी टेपर टर्निंग की टेल स्टॉक ऑफसेट विधि हो जाएगी, तो हमारा जॉब टेपर में बनेगा। तो इसमें देखिए सी आंसर में दिखाया गया है कि टेपर टर्निंग होगी, क्योंकि हम प्लेन टर्निंग कर रहे थे, तो लेकिन हमारा जॉब गलती से टेल स्टॉक ऑफसेट हो गया, तो इसमें टेपर टर्निंग हो जाएगी बेवजह से। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होना चाहिए, कि इस जॉब में टेपर टर्निंग होगी। और देख लेते हैं सी आंसर राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, अपनी जांच कर सकते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।